हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो कहूँगी हैप्पी तीज, और मेरी सारी सहेलियों के लिए तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है हरतालिका तीज, और साथ में दूसरे दिन है गणपति जी। तो गणपति जी और तीज के स्पेशल पर मैंने ये दोनों मिठाइयाँ, क्योंकि गणपति जी को लड्डू पसंद हैं, तो बस उनके लिए ये लड्डू बनाकर रेडी किए हैं, और तीज स्पेशल ये स्वीट बनाकर। तो दोनों मिठाइयाँ हम एक साथ बनाएंगे, तो इसके लिए लिया है मैंने मिल्क पाउडर, पनीर और फुल क्रीम, आधा किलो दूध। इसमें अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप 1 किलो दूध भी ले सकते हैं। तो मैंने ये दूध फुल क्रीम, जो मलाई पड़ जाती है, वह दूध इसमें लिया है। आप चाहे तो पैकेट का दूध भी ले सकते हैं। तो बस एक मोटे पतीले वाला हमने इसमें पैन लिया है। अब उसको थोड़ा सा इसमें डाला है 1 टेबल स्पून घी, 2 देसी घी। उसको अच्छे से सेट कर लेंगे, चारों तरफ उसे अच्छे से फैला लेंगे। तो बस यहाँ पर पनीर लिया है मैंने, पनीर होममेड पनीर है ये मैंने। तो उसको पानी में रख दिया था, थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। और यहाँ पर पनीर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है पूरा 1 कप, आप 1 कटोरी के हिसाब से मेजर करके लीजिए। तो बस पनीर को हम हाथ से की मदद से इस तरह से एकदम पेस्ट सा बना लेंगे, महीम, एकदम दाने ना रहे इसमें, ऐसे कोई लम्स ना रहे। तो बस यहाँ पर दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा अच्छे से उसको चलाते रहें, जिससे उसमें फुटकी ना पड़े, और जब इसमें गुठली पड़ जाती हैं तो वो बेकार लगती हैं, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाते ही रहें जब तक मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स ना हो। और अच्छे मिल्क पाउडर के साथ वो दूध में जैसे ही उबाली आ जाए, आप उसको उबलने के लिए छोड़ दें एकदम मीडियम आँच पर। तो बस अच्छे से एकदम गाढ़ा सा हो जाएगा धीरे धीरे ये, और बिल्कुल ये टूट जाएगा धीरे धीरे। तो बस यहाँ पर अब ये आधा हो चुका है दूध और मिल्क पाउडर, तो अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे। और पनीर डालने के बाद भी इसको अच्छे से चलाएंगे, और इसकी जो इसमें जो दाने हैं उनको हम अच्छे से घुमा घुमा कर, चला चला कर इसको एकदम पेस्ट जैसा बना लेंगे महीन। अब आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से गाढ़ी हो चुकी हैं, और पनीर भी अच्छे से उबल चुका है हमारा इसमें दूध के साथ। तो धीरे धीरे ये इस तरह से गाढ़ा होता जाएगा। और आप इसमें यहाँ पर चीनी ऐड कीजिए, चीनी को भी हमने मेजर के हिसाब से लिया है। तो बस इतनी इसमें 1 कटोरी यानी 1 कप हमने चीनी ली है, और यहाँ पर स्वाद अनुसार हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। तो जब भी हम कोई भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो उसको दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हम अपने भगवान के लिए भोग के लिए बनाते हैं। तो ये गणपति जी और तीज व्रत के लिए स्पेशल बनाया गया ये लड्डू और उसका पेस्ट है कलाकंद का। तो बस घर के बेसिक सामान से ये हमारे बनकर रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले हम अपनी मिठाई को जमा लेते हैं। तो इस कलाकंद को जमाने के लिए बहुत ही एकदम गाढ़ा, जिस तरह से हम लड्डू का भी उसी तरह का लेंगे, और एकदम गाढ़ा पेस्ट हो चुका है। तो अब इसको मैंने इसको अच्छे अच्छे से निकाल निकाल कर इसको, क्योंकि ये चिपक जाता है जैसे जैसे हमारा पेस्ट गाढ़ा होगा, ये सभी चीज़ों से चिपकने लगता है। तो बस इसको मैं पूरी तरह से अच्छे से निकाल लूँगी, और इस तरह से हाथ की मदद से, क्योंकि ये गर्म रहता है तो हाथ जल सकता है। तो बस मैंने इसको स्पून की मदद से इस तरह से सेट कर दिया है। और इसके ऊपर आप चाहें तो नारियल बूरा डाल सकते हैं, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो बस मैंने इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश किया, और इसके पीस कट करके छोड़ दिए। 5 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। वैसे तो ये सेट हो चुका है, क्योंकि हमने एकदम गाढ़ा पेस्ट बनाया है, तभी अच्छे से इसके लड्डू बनेंगे। और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा दोस्तों, वैसे वैसे इसके कलाकंद के पीस बन जाएंगे, और एकदम सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट, जो भगवान भी इसे इसका भोग लेकर संतुष्ट हो जाएं। तो बस अपने मन में श्रद्धा होनी चाहिए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जिस तरह से भगवान का भोग बनाए वैसे ही अपने घर में सभी की चीज़ों की
बनाने की क्षमता होती है। तो बस इस तरह से बन गई हमारी कलाकंद वाली ये बर्फी। तो बस यहाँ पर अब ये पेस्ट बचा था, उसका हम गणपति जी का भोग लड्डू बनाकर रेडी कर रहे हैं। मैंने मोदक बनाने के लिए ये पेस्ट बनाया था, लेकिन मैंने मोदक नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास मोदक का जो जार आता है वह नहीं था। तो बस इस तरह से लड्डू बनाकर भगवान के भोग के लिए मैंने स्पेशल बनाया। और इस सभी लड्डुओं को एक साथ इस तरह से बना बना कर एकदम चिकना बना लीजिए, और बस जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे आप इनको सही से करती जाइए। और लड्डू बनकर हो गए हमारे रेडी। तो तीज और गणपति जी के भोग दोनों रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि घर के बेसिक सामान से ये चीज़ें बनकर रेडी हो जाती हैं, जो कि बनाने और भोग के लिए बहुत ही जल्दी झटपट वाली आसान तरीके से बन जाती है। और बस आप 15-20 मिनट में ये मिठाई मेरी बनकर रेडी हो चुकी थी, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं एक पीस लगेगा। निकाल कर हम चेक कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा से जम चुका है, एकदम ठंडा हो चुका तो है। बस और इस इस तरह तरह से से आप हमारे भी इस सारे रेसिपी पीस को बनके ज़रूर ट्राई रेडी हो करके चुके देखें। हैं। तो है वीडियो तो पसंद आई लड्डू तो को भी लाइक मैंने शेयर इस तरह सब्सक्राइब से करना काजू बिल्कुल और ना भूलें, पिस्ता ज़्यादा से से, ज़्यादा फ्रेंड्स बादाम शेयर और भी करें। पिस्ता से, सॉरी, थैंक यू एंड बाय बाय, गार्निश कर हैप्पी दिया। तो हरियाली दोनों तीज। मिठाइयाँ हमारी बन